खबर के साथ। बारातियों पर ट्रक चढ़ गया है दरअसल, और विस्तार से इस पर आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। आज बारातियों पर जिस तरीके से ट्रक चढ़ा है, इसको लेकर तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी और इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। बीच सड़क पर दरअसल रायसेन से यह खबर, ये बड़ा हादसा हुआ है, बारातियों पर ट्रक चढ़ गया है, बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। 6 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, बड़ा ही भीषण हादसा बिल्कुल। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस पूरे घटना का जायजा लिया है और साथ ही इस पर बातचीत भी की है। रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ट्रक कौन चला रहा था, ट्रक का मालिक कौन है, हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ा ही भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों की जान भी चली गई इस हादसे में। और इसी पर सीएम ने दुख भी जताया, साथ ही साथ आर्थिक मदद का ऐलान भी सीएम के द्वारा किया गया है। रायसेन में ये बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और इन्हें मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। साथ ही साथ इस भीषण सड़क हादसे पर सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया। ये भी जानकारी मिल रही है कि तेज रफ्तार में था ये ट्रक और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। रौंद दिया इस ट्रक ने बारातियों को, 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों और घायलों में 20 से 30 साल के कई युवक भी हैं। घायलों का रायसेन और भोपाल में इलाज चल रहा है। नर्मदापुरम के ग्राम अंचल खेड़ा से खमरिया आई थी यह बारात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है, आर्थिक मदद का ऐलान किया है, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने की बात की गई है और घायलों को 50,000 रुपए की मदद भी दी जाएगी। तो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। इस बीच मातम का माहौल और कैसे एक खुशनुमा माहौल मातम में पसर गया, कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। जब तक कि लोगों को समझ आता तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर बारात लगने के दौरान एक ट्रक है, वो यहाँ पर बाराती जो लगाने वाले थे उनके ऊपर यहाँ पर चढ़ गया, तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ। देख सकते हैं रायसेन जिला मुख्यालय पर यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट हो गया है। और बात की जाए यहाँ पर जिस हिसाब से 4 से 5 लोगों के यहाँ पर मौत की खबर थी, कई लोगों के यहाँ पर घायल होने की खबर थी, और जिस हिसाब से डॉक्टर सिविल सर्जन ओड़ जी मौजूद बात करते, जिस तरह की बात किया, कितने यहाँ पर घायल आए? अभी तो हमारे पास 2 घायल आए हैं जिसमें अभी 4 आ चुके हैं और 2 एम्बुलेंस आई हैं जिसमें 4 घायल आए हैं, जिसमें 1 ज़्यादा गंभीर हैं जिसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और 3 जो है वो भी काफ़ी गंभीर हैं और उनको भी साथ में हमने वहाँ हेल्थ सेंटर में भेज दिया गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद। और हमारी पूरी मेडिकल टीम, सारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है यहाँ तैनात है। बिल्कुल, बात की जाए यहाँ पर 4 से 5 लोगों की मौत की खबर बता रहा है कि आंकड़ा बढ़ गया है यहाँ पर मौतों का, क्या आपको इनपुट लिया आपने जो सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? सुल्तानपुर में जहाँ इनपुट मिला है कि 4-5 शायद मेरे ख्याल से गंभीर या शायद मेरे ख्याल डेथ हो चुकी है, ऐसी इनपुट आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ जो आ रहे हैं वो भी काफ़ी गंभीर है, उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ हमारा पूरी टीम जो है काम कर रही है और उसके बाद जो उन्हें हायर सेंटर में भेज दिया गया है। इसी रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं तहसीलदार हर्ष जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते। तहसीलदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह घटनाक्रम जो हुआ है अभी सुल्तानपुर के पास में यहाँ पर खमरिया घाट के घाट खमरिया के पास में, क्या इनपुट है आप यहाँ पर अलर्ट हैं? अभी हमें जानकारी लगी थी कि सुल्तानपुर में जो रोड एक्सीडेंट हुआ है उसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। तो अभी यहाँ पर 3 लोग आए हैं कुल, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें एम्स भोपाल रेफर कर दिया है और 1 व्यक्ति है जो नॉर्मल है। तो यहीं पर कुछ लोगों की यहाँ पर मौत की खबर आ रही है बताया जा रहा है, अभी मुझे कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जैसे ही होगी हम आपको बताएंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं बात किया है घाट खमरिया जो नेशनल हाईवे है जबलपुर भोपाल घाट खमरिया के पास, यहाँ पर शाम को बारात लग रही थी, बारात लगने के दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं तेज रफ्तार ट्रक है जिसने यहाँ पर बारात लगने के दौरान यहाँ पर लोगों को रौंदा है। और जानकारी ये लग रही है कि उस घटनाक्रम में कम से कम 4 से 5 लोगों की जो मौके पर मौत की खबर थी, लेकिन ये आंकड़ा जो है जिस हिसाब से हमने बात की है डॉक्टर से, उन्होंने कहना है कि यहाँ पर आंकड़ा बढ़ गया। हालांकि प्राथमिक प्रशासन की सोच यही है कि जिस हिसाब से जो घायल हुए हैं उन घायलों को इलाज के लिए, उनकी जान बचाने के लिए किस तरीके से काम किया जाए, तो लगातार यहाँ पर घायलों के लिए यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जिला हॉस्पिटल के बाद यहाँ पर जो ज्यादा गंभीर घायल हैं उनको राजधानी भोपाल रेफर किया जा रहा है। दिनेश यादव, न्यूज 18, रायसेन। रायसेन के
रायसेन के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर बारात लगने के दौरान एक ट्रक है, वो यहाँ पर बाराती जो लगाने वाले थे उनके ऊपर यहाँ पर चढ़ गया, तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ। देख सकते हैं रायसेन जिला मुख्यालय पर यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट हो गया है। और बात की जाए यहाँ पर जिस हिसाब से 4 से 5 लोगों के यहाँ पर मौत की खबर थी, कई लोगों के यहाँ पर घायल होने की खबर थी, और जिस हिसाब से डॉक्टर सिविल सर्जन ओड़ जी मौजूद बात करते, जिस तरह की बात किया, कितने यहाँ पर घायल आए? अभी तो हमारे पास 2 घायल आए हैं, जिसमें अभी 4 आ चुके हैं और 2 एम्बुलेंस आई हैं, जिसमें 4 घायल आए हैं, जिसमें 1 ज्यादा गंभीर है जिसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और 3 जो है वो। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, भीषण सड़क हादसा, इतने सारे लोगों की जान चली गई, साथ ही साथ कई लोग घायल भी हैं। आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है? आखिर ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हो गई कि बारातियों में जाकर के ट्रक घुस गया? साथ ही साथ अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, जबलपुर और भोपाल नेशनल हाईवे मार्ग का एक घटना है, जहां पर घाट खमरिया में ये बारात जो आई हुई थी, नर्मदापुरम जिले के आंचलखेड़ा की ये बारात जो यहाँ पर आई हुई थी, इस दौरान हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही, अगर हम बात कहें, ट्रक चालक की भी लापरवाही है, बारातियों की भी यहाँ पर लापरवाही है, कि अगर आप यहाँ पर रोड पर बीच जो नेशनल हाईवे पर यहाँ पर बारात लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। लेकिन इस घटनाक्रम कहीं ना कहीं बात की जाए, जैसे ही हमने इस खबर को तुरंत एक्सक्लूसिव दिखाया था रात में, और जो जिस हिसाब से अभी हमने WT 121 जो दिखाया डॉक्टर अनिल रोड सिविल सर्जन का, तो कहीं ना कहीं इसमें 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। और बात की जाए, इसमें 20 से अधिक लोग यहाँ पर घायल हैं। अगर घायलों की हम बात करें तो उसमें 20 से 30 साल के युवा हैं, क्योंकि बारात थी और यहाँ पर अहरवार समाज की शादी थी। यहाँ पर बारात में जब नवयुवक थे, सारे तैयारी यहाँ पर कर रहे थे डांस वगैरह और DJ पे की धुन पर यहाँ पर नाचने के लिए। इस दौरान यहाँ पर एक ट्रक आता है और तेज रफ्तार ट्रक यहाँ पर लोगों को कुचल देता है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मच गया था। जैसे ही पुलिस प्रशासन को यहाँ पर जानकारी लगी तो तमाम जो SP कलेक्टर SP जितनी अधिकारी सब अलर्ट हो गए। जो आसपास के जो तहसीलों की जो है एम्बुलेंस फटाफट यहाँ पर मौके बुलाई गई, बड़ी संख्या में सारे जिले के एम्बुलेंस। बिल्कुल, और अभी भी घायलों का इलाज जो जारी है। दिनेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि बेहद ही दुखद हादसा। चलिए आगे बढ़ेंगे और जिक्र बीजेपी की लिस्ट का कर लेते हैं। आज दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है बीजेपी की। MP के 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। कल केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी, 5 सीटें जिसमें कि उज्जैन भी है, भोपाल है, इंदौर है, धार है, इन जगहों पर अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है, बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन वो सस्पेंस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कभी भी अब बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, क्योंकि इस बीच कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई बीते दिन। इसमें चर्चा की गई किसे कहां से प्रत्याशी बनाना है और आज कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। तो वही आज कांग्रेस की भी लिस्ट आ सकती है। MP की 14 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कमलनाथ और कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा चुनाव। दिल्ली में कांग्रेस CEC की बैठक में ये फैसला हुआ है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम तय है। वहीं भिंड से फूल सिंह बरेया, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये है कि कमलनाथ और दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही साथ नकुलनाथ छिंदवाड़ा से रहेंगे और बाकी जो नाम हैं उनका उनकी जो है नाम फाइनल हो चुके हैं और जल्द ही ये पूरी लिस्ट जो है जारी हो जाएगी कांग्रेस की ओर से, चूंकि CEC की बैठक हुई है। और अब ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कल में ये लिस्ट आ सकती है। तो कांग्रेस की भी लिस्ट क्योंकि बहुत जल्द सामने आ जाएगी और 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नामों पर मुहर लग चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि कौन कहां से उम्मीदवार हो सकता है और समझाएंगे कि मुकाबला कहां कहां हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का इंतजार था कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है और इससे 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जो है
इससे नागरिकता मिलेगी। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, इससे 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थी, हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। जैन, ईसाई, पारसी शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोग देश के नागरिक बन जाएंगे। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है, जिसमें 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो CAA क्या है वो विस्तार से समझ लीजिए। इसके दायरे में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन ऐसे तमाम जो धर्म के लोग हैं वो नागरिकता लेने के लिए पात्र बताए गए हैं और नागरिकता संशोधन का जो कानून है वो लाया गया शरणार्थियों। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया था और इंतजार क्योंकि हो रहा था कि इस बार पीएम मोदी क्या बड़ा ऐलान करेंगे, तो ऐसे में CAA लागू हो चुका है और इसके दायरे में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध शरणार्थी हैं। किसी भी भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, नागरिकता संशोधन का कानून है और इस कानून के तहत कुछ लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और ये बड़े ऐलान के बाद कहीं ना कहीं इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले ये ऐलान कर देना बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन सबको देखते हुए सुरक्षा के भी खूब इंतजाम करने पड़ेंगे, इस पर भी देखना पड़ेगा कि सुरक्षा में कोई खलल ना आए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कल लागू हुआ कुछ प्रदेश जहां पर दूसरी सरकारें हैं वहां पर विरोध भी देखने को मिला। हालांकि लागू हो चुका है कानून और इसके बारे में पूरी जानकारी भी हम आपको विस्तार से दे रहे हैं और साथ ही साथ इसके लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार किया गया है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो किसी भी भारतीय की नागरिकता को खतरा नहीं है इससे और ये संशोधन का कानून है, नागरिकता संशोधन का। वही नागरिकता देने का अधिकार जो है शरणार्थियों को दिया जाएगा, 3 देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए है। पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी हैं उनके लिए कानून है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से शरणार्थी जो आए हैं वो दायरे में रहेंगे। तो CAA कानून बन गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसने क्या कहा है। ओबीसी की सबसे पहले बात करते हैं, सड़क पर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यह बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव का जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की भटकाने वाली चाल समझ गई है। इसके अलावा पी विजयन ने भी कहा कि केरल में CAA लागू नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने क्या कहा ये भी देख लीजिए, किसी भी तरह का भेदभाव मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं दिग्विजय सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद लागू करते CAA अभी आखिर क्यों किया। तो तमाम तरह के जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इसकी अभी क्या जरूरत थी, बाद में भी किया जा सकता था। खैर आगे बढ़ेंगे। इधर देश भर में CAA लागू करने पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक और ऐतिहासिक निर्णय है। मानवता के कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। तो देश भर में CAA लागू हो चुका है और ऐसे में मोहन यादव का ट्वीट भी आ गया। मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी का बहुत आभार, जो एक और निर्णय लिया गया देश के हित के लिए। गृह मंत्री अमित शाह का भी अभिनंदन उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक और ऐतिहासिक निर्णय है ये। इससे पहले आपको याद होगा धारा 370 को निष्प्रभावी जब किया गया, उस वक्त भी तारीफ अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम लोग करते आए थे और एक बार फिर से इस बड़े फैसले पर उन्हें बधाई और आभार जताया गया। तो CM विश्वदेव साय का बयान आया है, उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, 31 दिसंबर 2000 से पहले आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। तो यहां पर छत्तीसगढ़ के CM ने भी बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं।
संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो भारत में शरण लिए हैं और विशेषकर तीन देश जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से उसको छोड़कर हमारे देश में शरण लिए हैं उनका जीवन सामान्य नहीं था और इस कानून के लागू हो जाने से उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और जैसे एक सामान्य व्यक्ति यहाँ पर जीवन जी रहा है उस तरह से उनको जीवन जीने का अधिकार हो जाएगा तो ऐसे लाखों लोगों के लिए बहुत अच्छा ये हो रहा है सीएए लागू होने से। और सीएए लागू करने के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। एहतियातन कई जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के शाहीनबाग इलाके और जबलपुर के बड़ी ओमती बेलबाग रद्दी चौकी सहित मुस्लिम बाहुल्य इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया, साथ ही साथ जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कहीं ना कहीं टीम की नजर पूरी तरह से रहेगी। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। लगभग 32 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया है। के पटेल को पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन दंतेवाड़ा। उद्यान बिहार को नक्सल अभियान का उप पुलिस अधीक्षक। सपन चौधरी को सुकमा ऑपरेशन डीआरजी का जिम्मा दिया गया है। तो अधिकारियों का तबादला छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। सरकार बनने के बाद से ही लगातार तबादलों की तस्वीर हम देख रहे हैं, साथ ही साथ अब तो चुनाव भी नज़दीक है तो कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हालांकि ये रूटीन चेंजेस भी होते हैं, जब तबादले होते हैं इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। मुंबई के कमाठीपुरा में भीषण आग लग गई। पुलिस बीट चौकी के सामने आग लग गई और 5 दमकल गाड़ियां मौके पर इसे बुझाने के लिए रवाना भी हुई। तो 5 दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीर, कमाठीपुरा की ये तस्वीर जहां पर भीषण आग लगी है। भयानक आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भीषण आग और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा आज छत्तीसगढ़ आएंगे, बालोद के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और आज कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे। किसानों को धान के अंतर की राशि भी देंगे, साथ ही साथ किसानों को सरकार 13,000 करोड़ रुपए देने वाली है। तो किसानों को धान के अंतर की राशि मिलेगी और सरकार 13,000 करोड़ रुपए आज ट्रांसफर करेगी। सभी किसानों के खातों में अपने अपने धान की अंतर की राशि जो है पहुंच जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।